ओके गाइज़ वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरी डे दिस इज हिमांशु योर फेवरेट सोलर साइट इंजीनियर तो गाइज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब हो किया होगा तो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है हो सकता है कि आप तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखते हों या आप रिया चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ में बिजी हों या हो सकता है आप दोनों कर रहे हों एक टाइम पे एक साथ तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सो यू विल बी एक्सपोज टू इंडस्ट्रियल गुड प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलेशन एज वेल एज ओ एन एम एज वेल एज ट्रबल शूटिंग रिलेटेड टू सोलर पावर प्लांट्स एंड दैट टू दीज ऑल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वाइबल एंड वेरी सीक्रेट लेकिन ये ये सिर्फ और सिर्फ शेयर हो रही है मेरे चैनल पर वो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे गाइज मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इतना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिल रहा है वो भी फ्री में फोकट में ले लो ले लो ले लो ले लो इज ये वीडियो मैं डेडिकेटेडली उन आई एन सी इंस्टॉलर्स के लिए बना रहा हूँ बैकग्राउंड में उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया कि सर हम छोटे आई एन सी इंस्टॉलर हैं और हम जब रूफ़ टॉप प्रोजेक्ट्स को टेकअप करते हैं हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें नहीं आइडिया लगता है ओरिएंटेशन का टिल्ट एंगल का बिकॉज हमें पी वी सिस्ट सॉफ्टवेयर की सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की हमें नॉलेज नहीं है तो जो रूफ़ टॉप का डायमेंशन रहता है जो रूफ़ टॉप का टिल्ट एंगल रहता है हम उसी के हिसाब से अपना इंस्टॉलेशन करते हैं और रूफटॉप के लिमिटेशन की वजह से हमें एक सर्टेन एंगल और एक सर्टेन ओरिएंटेशन पर अपना मॉड्यूल लगाना पड़ता है तो सर इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करें बिना सॉफ्टवेयर का यूज किए क्या हम मोबाइल के थ्रू ऐसा कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं तो गाइज़ मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है आप मोबाइल का इस्तेमाल करके भी अपना टिल्ट एंगल और ओरिएंटेशन बहुत ही बखूबी डिसाइड कर सकते हो हाँ लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि पी वी सॉफ्टवेयर का देर इज़ नो कंपैरिजन अगर आप उससे करते हो तो वेल एंड गुड लेकिन अगर आप मतलब नहीं कर सकते उससे सिमुलेशन सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अ वे कि कैसे मोबाइल यूज़ करके आप टिल्ट एंगल और ओरिएटेशन को डिसाइड कर सकते हो और बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ योर साइट आप ये बता सकते हो कि इस टिल्ट और इस ओरिएंटेशन में आपके सोलर पावर प्लांट से ऑप्टिमम जनरेशन मिलने वाला है या कितने परसेंटेज का लॉस होने वाला है जस्ट यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कैसे टिल्ट एंगल और ओरिएंटेशन का आपको ऑप्टिमल जनरेशन और कैसे लॉस निकालना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूं लेकिन इसको बताने से पहले कुछ सर्टेन पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे जो सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं बहुत आसान है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में वरना आप उस सॉफ़्टवेयर को यूज़ करते टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए गाइज़ मैं एक अपना छोटा सा मिनी सोलर पैनल लेके आया हूँ ठीक है तो अभी देखिए मेरे पीछे जो मॉड्यूल लगे हैं दोज़ आर साउथ फेसिंग तो अगर मैं अपने मॉड्यूल को ऐसे एक पर्टिकुलर सूरज की दिशा में कर रहा हूँ सो दिस इज़ अ साउथ फेसिंग मॉड्यूल ठीक है अब साउथ फेसिंग मॉड्यूल का अगर मुझे टिल्ट एंगल चेंज करना होगा तो आप यहाँ साइड से देखो आपको साउथ फेसिंग दिख रहा है मॉड्यूल ठीक है तो देखिए टिल्ट एंगल चेंज करने का मतलब है साउथ को फेस कर रहा है लेकिन इसका एंगल मैं चेंज कर रहा हूँ मतलब इसका स्लोप मैं चेंज कर रहा हूँ ठीक है यहाँ से आप मॉड्यूल का देखिए तो मॉड्यूल का ऐसे स्लोप चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं टिल्ट एंगल चेंज होना अब मैं बताता हूँ ओरिएंटेशन चेंज होने का क्या मतलब होता है अभी देखिए मॉड्यूल साउथ फेसिंग है ठीक है लेकिन अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ ठीक है अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है अब या तो ये ऐसा ईस्ट की तरफ जा रहा है ठीक है तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन चेंज होना मतलब जो साउथ फेसिंग मॉड्यूल है जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन चेंज होना लेकिन जब वो साइड से अपना एंगल चेंज करता है तो इसको बोलते हैं टिल्ट एंगल चेंज होना आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा लेकिन एक और मैं एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ अगर आप कंपस यूज़ uh, करते होंगे स्कूल uh, में आपने कंपस तो यूज़ किया ही होगा ना आपका मॉड्यूल साउथ फेसिंग होता है तो कंपस में अगर आप चेक करोगे एज़ पर द कम्पस सो इट विल बी एट 180 डिग्री अच्छा मोबाइल ऐप यूज़ करने से पहले मोबाइल से कैसे हमें टिल्ट एंगल निकालना है ओरिएंटेशन एंगल अपने साइड के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमें कैसे निकालना है उसको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे प्रैक्टिकली तो उसको समझने की कोशिश करिएगा ठीक है अगर उसको आप समझ लेंगे तो बिना पी वी सिस्ट सॉफ्टवेयर के आप अपने मोबाइल से ही एक ऑप्टिमम डिल्ट एंगल और एक ऑप्टिमम ओरिएंटेशन uh, को अचीव कर पाएंगे ठीक है इसमें इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश ये करूँगा कि बहुत सारी ऐसी रूफ होती हैं जो डायरेक्टली साउथ फेसिंग होती हैं और आप अपने मॉड्यूल को बहुत ही आसानी से साउथ फेसिंग लगा सकते हो लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ घरों का डायरेक्शन ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली साउथ फेसिंग मॉड्यूल नहीं लगा सकते ठीक है और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सोलर रेडिएशन को अगर आप मैक्सिमम अब्जॉर्ब करना चाहते हो तो आपको एक साउथ फेसिंग मॉड्यूल लगाना पड़ता है साउथ फेसिंग लगाओगे तो ईस्ट से वेस्ट प्रॉपर सूरज की रोशनी आपको मिलती है सुबह से लेकर शाम तक ठीक है लेकिन साइट के चैलेंजेस होते हैं एवरी साइट इज नॉट द सेम गाइज तो साइट की लिमिटेशन की वजह से आपको कुछ मैं कॉन्सेप्ट एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझिएगा इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप आराम से अपना मोबाइल इस्तेमाल करके किसी भी साइट के लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मुताबिक एक प्रॉपर टिल्ट एंगल और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से आप एक ऑप्टिमम जनरेशन अचीव कर पाएंगे अगर नहीं भी अचीव कर पा रहे हैं तो आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये ऑप्टिमम लेवल पे नहीं लगा है तो कितने परसेंटेज का एनर्जी लॉस हो रहा है वो आप अपने क्लाइंट को एंड क्लाइंट को बता भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे देखिए गाइस बहुत आसान है मोबाइल से टिल्ट एंगल कैसे निकालते हैं उसके लिए बहुत सारे इंक्लैनोमीटर बेस्ड स्पिरिट लेवल मोबाइल ऐप अवेलेबल है ठीक है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक मोबाइल ऐप है जो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इसमें नहीं दिख रहा होगा मैं स्क्रीन अपनी कास्ट कर देता हूँ वीडियो में वहाँ पे आपको दिख जाएगा तो ये क्या है एक स्पिरिट लैंप वाला आपका जो है ऐप है इस ऐप में अगर आप देख पा रहे होगे तो जैसा स्पिरिट मीटर वाला आपका स्केल होता है जिसको जो आपको टिल्ट एंगल और ये सब दिखाता है और एक जायरोस्कोपिक बेस्ड आपका लेवल मीटर दिया हुआ है ठीक है जो आपको डिग्री में आपका एंगल दिखा रहा है तो यहाँ पे अगर आप वीडियो में देखेंगे तो अगर मैं अपने इस मोबाइल को इसमें मॉड्यूल के फ्रेम में रखता हूँ तो मुझे टिल्ट एंगल दिखा रहा है थर्टी वन पॉइंट सिक्स थर्टी वन पॉइंट सिक्स का टिल्ट एंगल दिखा रहा है तो इस ऐप को यूज़ करके आप ऑप्टिमम टिल्ट एंगल पता कर सकते हैं ठीक है तो मतलब ऑप्टिमम भी पता कर सकते हैं प्लस आप आप इसको बार बार रीसेट करके कैलिब्रेट भी कर सकते हैं लेकिन अभी जो एंगल यहाँ पे दिखा रहा है थर्टी वन पॉइंट सेवन तो आप ये जान लीजिए कि मोबाइल ऐप आता है जिससे आप टिल्ट एंगल पता कर सकते हो ठीक है एक छोटा सा कन्फ्यूजन जो लोग बार बार पूछते हैं कि सर हम अपने लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही अपने मॉड्यूल का टिल्ट एंगल क्यों रखते हैं मतलब ये हमारा मॉड्यूल है जीरो डिग्री पे तो अगर हम इसका सर्टेन एंगल चेंज करते हैं अपने साइट पे लेटीट्यूड के मुताबिक मतलब अगर मान लीजिए आपके साइट का लैटिट्यूड ट्वेंटी एट पॉइंट समथिंग तो अगर आप अपने मॉड्यूल का जो टल ट्वेंटी एट रखोगे तो होगा क्या कि उस पर्टिकुलर रीजन पे आपका जो सोलर रेडिएशन आपके मॉड्यूल पे आएगा ना वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट होगा मतलब डायरेक्ट रेडिएशन मिलेगा मतलब अगर आप अपने लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अपना एंगल रखते हो ना किसी भी ऑब्जेक्ट का तो आप सोलर की जो किरणें आ रही है ना उसके परपेंडिकुलर करने की कोशिश कर रहे हो और ये बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है सोलर पीवी जनरेशन का का, कि सोलर रेडिएशन रेडिएशन पार्टिकल सिलिकॉन सेल पे जितने ज़्यादा ज़्यादा इंसिडेंट होंगे होंगे परपेंडिकुलर उतना मैक्सिमम होगा और उतना ज़्यादा आपको डीसी आउटपुट मिलेगा यह समझने की कोशिश कीजिएगा इस मान लीजिए आपके पास एक घर है घर का अगर आप टॉप व्यू देखोगे ऊपर से देखोगे तो ये जो गुलाबी रंग की रूफ है आपको कुछ ऐसी में अगर आप टॉप व्यू देखोगे अब मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और अगर आप सोलर पैनल साउथ फेसिंग लगाते हो तो सुबह छः बजे से शाम को छः बजे तक आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती है ईस्ट से वेस्ट सूरज जाता है और आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती है तो सोलर पैनल का साउथ फेसिंग ट्रू साउथ मतलब एग्जैक्ट साउथ फेसिंग होना बहुत ज़रूरी है ठीक है इससे आपको प्रॉपर रेडिएशन सुबह से शाम तक मिलता है अब मान लीजिए ये आपकी रूफ़ है रूफ का एक साइड साउथ फेसिंग है तो मैंने वहाँ पे एक किलोवाट का प्लांट लगा दिया साउथ फेसिंग तो होगा क्या सुबह छः बजे से शाम को छ बजे तक मुझे प्रॉपर सनलाइट मिलेगी पूरी पूरी छः बजे से शाम छः बजे तक अब मान लीजिए आपका घर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है जो साउथ वेस्ट है प्रॉपर साउथ नहीं है तो मुझे लगाना है एक किलो का प्लांट तो मैं एक ही तरफ लगा सकता हूँ क्योंकि अब ये मेरी साइट की लिमिटेशन हो गई ना तो मैंने भाई इस डायरेक्शन में अपने सोलर प्लांट ऐसा पैनल लगा दिया क्योंकि रूफ़ का स्लोप ही वैसा था और मैं एडिशनल लगा नहीं सकता था लोहा क्योंकि भाई रूफ़ कमज़ोर है नीचे गिर जाएगी तो फिर अब आप, आप देखो जो मुझे सनलाइट मिल रही है वो कहीं ना कहीं ग्यारह बजे से चालू हो रही है मॉड्यूल पे और छः बजे ख़त्म हो रही है जो मुझे सुबह छः बजे से शाम छः बजे तक मिलनी चाहिए थी वो मुझे ग्यारह बजे से शाम छः बजे मिल रही है मतलब यहाँ पे गाइस जो हमारा छः बजे से ग्यारह सुबह छः बजे से ग्यारह बजे का मुझे पाँच घंटे का लॉस हो रहा है जनरेशन का तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो सोलर पैनल का जो टिल्ट एंगल होता है और ओरिएंटेशन होता है इट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन हारनेसिंग योर जनरेशन तो अगर आप टिल्ट एंगल प्रॉपर नहीं रखेंगे और ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रखेंगे तो सेम कैपेसिटी का प्लांट आपको अलग अलग जनरेशन देगा तो ये टिल्ट एंगल ओरिएंटेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन डिसाइडिंग दी आउटपुट ऑफ योर प्लांट एक कॉन्सेप्ट में और समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ये आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लो और इसमें अगर आप कंपस इंस्टॉल करते हो ठीक है तो अगर सोलर पैनल अगर आपका ट्रू साउथ फेसिंग है तो कम्पस में जो आपका सोलर पैनल होगा वो हमेशा 180 डिग्री पे होगा अगर आपका मॉड्यूल साउथ फेसिंग है तो कम्पस पे वो 180 डिग्री फेस कर रहा है ठीक है इसको उसका एजिमुथ बोलते हैं ये आप हमेशा याद करके रखिए ये आपको मोबाइल ऐप कैलकुलेशन में हेल्प करेगा साउथ फेसिंग मॉड्यूल फेसेस 180 डिग्री ओके गाइस, तो जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है माय सोलर पैनल लाइट तो उसका कुछ सिंबल ऐसा है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी लोकेशन डिसाइड कर रखी है तो लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पर डे पर मंथ एनुअल इेडिएशन डेटा दिख रहा है ठीक है तो जस्ट इन केस मैं अगस्त में जाऊंगा तो मेरा पर डे कितना चल रहा है अक्टूबर में जाऊंगा कितना चल रहा है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा ठीक है, है इस ग्राफ को आप हाईलाइट करके देख सकते हो बट अलग चीज़ ये कि मैंने अपनी एक लोकेशन पिन पॉइंट की है न्यू डेली के अंदर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर कर रखी है ओके okay, राजीव चौक के पास कर रखी है जहाँ पर झंडा लगा रहता है ठीक है कनॉट प्लेस तो देखिए यहाँ पे मैप पे पिन पॉइंट करके आप जैसे जैसे आप अपने लोकेशन चूज़ करते हो तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड मिलता है और आपको आपको उसको रेडिएशन का डेटा भी नीचे मिलने लगता है ठीक है तो ऐसे करके आप अपना लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो अब यहाँ पे आप लेफ़्ट ऊपर तीन डॉट्स पे आप क्लिक करके आप आ जाइए कंपस के अंदर ठीक है तो कंपस के अंदर देखिए आपको ओरिएंटेशन दिखा रहा है 57 डिग्री आपके मॉड्यूल का ओरिएंटेशन कि आप वो साउथ फेसिंग है या नहीं और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपके सोलर पैनल को साउथ फेसिंग होना चाहिए प्रॉपर जनरेशन अचीव करने के लिए तो आइए इसको साउथ फेसिंग करके देखते हैं अपने कंपस को मैं अपने मोबाइल को घुमा रहा हूँ तो देखिए कैसे कैसे इसका ओरिएंटेशन 180 डिग्री के पास जा रहा है और जैसे ही ये 180 डिग्री के पास जाता है तो देखिए नीचे ऑप्शन में लिख के आ रहा है कि ये आपका ऑप्टिमल डायरेक्शन है मतलब साउथ फेसिंग के अलावा आप किधर भी ले जाओगे चाहे आप इस एंगल को रिड्यूस करो 180 को या आप 180 को इंक्रीज करो तो वो आपका ऑप्टिमम जनरेशन नहीं देगा क्योंकि आपका मॉड्यूल साउथ फेसिंग नहीं है तो हमेशा आपको अपने मॉड्यूल का जो ओरिएटेशन है उसका डायरेक्शन है वन डिग्री मतलब ट्रू साउथ फेसिंग पर रखना है ठीक है इसके बाद हमको इन में आना पड़ेगा इनकलैनोमीटर में आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए टिल्ट एंगल दिया हुआ है ठीक है आप मैं मैं अपने मॉड्यूल को मतलब अपने मोबाइल को जैसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन मैं अपने मोबाइल का एंगल चेंज कर रहा हूँ तो देखिए जैसे ही ट्वेंटी फाइव आ रहा है ये ऑप्टिमल जन दिखा रहा है मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में राजीव चौक पे अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेलेक्ट किया था ना उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे अपना ओरिएंटेशन दिखाया वन एट्टी डिग्री ऑप्टिमल है और फिर मैं अपने मोबाइल से एंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो भी मुझे यहाँ पे देखिए ट्वेंटी फाइव पर दिखा रहा है कि ट्वेंटी फाइव डिग्री पर राजीव चौक पर लगाओगे इंक्लिनेशन में तो आपको प्रॉपर जो है जनरेशन मिलेगा आपके लिए राजीव चौक पे वन डिग्री साउथ और ट्वेंटी डिग्री आपके लिए ऑप्टीमल होगा ठीक है अब यहाँ पे एक और बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन के बाद रिज़ल्ट है नहीं यहाँ पे है सिमुलेशन ऑप्टिमाइज़र इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑप्टिमाइजर में देखिए अब ऑप्टिमाइज़र में क्या है कि सबसे पहले तो आप ऑप्टिमाइज़ पे आप क्लिक कर दो यहाँ पे जैसे ही आप ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करोगे तो आपके लोकेशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऊपर लिख के आ जाएगा राजीव चौक का तो आपको देखिए इसमें दिखा रहा है कि अगर आप ट्वेंटी फाइव डिग्री पे अपने टिल्ट एंगल को रखोगे और अपना जो आपका ओरिएंटेशन वन एट्टी डिग्री पे रखोगे ठीक है तो और यहाँ पे आप कंपेयर दबाओगे तो आपको मिलेगा ऑप्टिमल जनरेशन मतलब सबसे बेस्ट जनरेशन ठीक है अब आप बोल दो कि नहीं भाई राजीव चौक पे ऐसा है कि हम टिल्ट तो ट्वेंटी फाइव रख सकते हैं लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की शेडो की वजह से हम 180 डिग्री साउथ नहीं रख सकते थोड़ा आड़ा तिरछा है तो हम थोड़ा सा 180 डिग्री से हट के लगाएंगे तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे आप 180 डिग्री से कम करोगे साउथ ईस्ट करोगे और फिर कंपेयर पे दबाओगे तो आपको दिखाएगा कि आपका कितना लॉस हो रहा है आपका फोर का माइनस का एनर्जी लॉस हो रहा है तो आप बोलोगे अरे नहीं 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 एक काम करते हैं इसको वन डिग्री के दूसरे डायरेक्शन में लगाते हैं जो आप दूसरे डायरेक्शन में गए फिर आपने कंपेयर किया तो आपको पता चला हाँ यार दूसरे डायरेक्शन में मुझको माइनस टू परसेंट का लॉस मिल रहा है तो आप कह दो कि नहीं एक काम करते हैं थोड़ा सा एंगल भी चेंज करके देखते हैं पच्चीस से छब्बीस से तीस करके देखते हैं फिर आप कंपेयर दबाओगे तो यहाँ पर आपका माइनस का लॉस हो गया तो आप इसको थोड़ा सा कम करके कंपेयर कर सकते हो माइनस हो गया फिर चौबीस से तेईस ले आइए फिर कंपेयर करके देखिए माइनस टू हो गया तो आप समझ रहे हो मतलब आप अपना टिल्ट एंगल और ओरिएंटेशन चेक करके आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पे वो सबसे कम एनर्जी लॉस हो रहा है और साइट के लिमिटेशन के अकॉर्डिंग हम ओरिएंटेशन चेंज करके अपना देख सकते हैं कि कहाँ पे हमको बेस्ट मिलना है देखिए माइनस वन मैंने अचीव कर लिया मेरा टिल्ट एंगल भी मैंने साइट के हिसाब से कम कर रखा है और ओरिएंटेशन भी मैंने चेंज किया है तो मेरा माइनस वन हो गया तो कहीं ना कहीं आप जाके एक आपको ऑप्टिमल तो नहीं मिलेगा क्योंकि आप ट्रू साउथ फेसिंग नहीं हो लेकिन आप यहाँ से आप अपना एनर्जी लॉस को कंपेयर कर सकते हो अपना टिल्ट एंगल और डिफरेंस और को चेंज करके ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोबाइल ऐप है आपको पी वी सिस्ट में भी यही सेम फीचर होता है जिसमें आप एंगल और ओरिएंटेशन एजिमुथ मुथ चेंज करके आप देखते हो कि आपको कितने उस दिन में एनर्जी का जनरेशन होगा या लॉस होगा तो ये मोबाइल ऐप के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके पास पी वी सिस्ट का एक्सेस नहीं है तो आप मोबाइल ऐप भी यूज़ करके ये चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और अपने एंड क्लाइंट को समझा सकते हो तो ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो आप पी वी सिस्ट नहीं यूज़ करते हैं और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप यूज़ करके कैसे हम टिल्ट एंगल और ओरिएंटेशन को साइट पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं तो गाइज़ ये है इसका तरीका ठीक है तो इस ऐप का डाउनलोड लिंक और वो इनक्लैनोमीटर वाला वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फिर भी अगर कोई इश्यू है सो यू कैन रीच मी आउट ऑन माय लिंकड तो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इस ऐप के बारे में और जानना चाहते होंगे जस्ट कनेक्ट विद मी ऑन लिंगडन एंड आई विल डिस्क्राइब यू कि हाँ कहाँ कहाँ फंस रहे हो या अगर आपका कोई डाउट है इंक्वायरी है सो यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट ऑन लिंगडन और वहाँ पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन क्लारीफाई ऑल योर डाउट्स सो जस्ट इन केस इफ यू वॉन्ट टू नो समथिंग मोर कल अबाउट द सोलर इंडस्ट्री क्या गुड प्रैक्टिस है ट्रबल शूटिंग एंड दी अपकमिंग टेक्नोलॉजी या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर आपकी कोई इंक्वायरी है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल सो यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज